राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ गाइस। पिछले वीडियो मैंने डाली थी, उस पर आपने काफ़ी कमेंट किए कि सत्तू पाउडर क्या होता है, तो मैंने रिप्लाई भी सबका दिया है। और मैं आपको बता दूँ, सत्तू पाउडर होता है चने का पाउडर, ठीक है? जो चने होते हैं ना अपने भुने हुए, उसको पीस के बनाया जाता है। अगर आपके पास वो नहीं है, पाउडर नहीं मिल रहा है आपको, वैसे तो हर जगह मिल जाता है, अगर नहीं मिल रहा तो चने लीजिए आप, उन चने को भुगड़े भी बोलते हैं, वो लीजिए और फिर उसको मिक्सी में पीस के घर पे भी बना सकते हो आप। बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना और डेली अपने डाइट में लेना, प्रोटीन से भरपूर है, बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? ऐसे करना है आपको, बहुत अच्छा है वो। और आप मुझे बोलते हो कि डेली वीडियो लाइए, मैं कोशिश पूरी करूँगी डेली वीडियो लाने की, ओके, ठीक है? और अभी मैंने पूरा काम अपना कर लिया है, फिनिश, नहा लिए हैं, धो लिए हैं और पूरा मंदिर भी जाके आ गई हूँ मैं आज। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और सुबह से खूब पानी पी रही हूँ मैं गाइस, पानी बहुत। देखो, पानी पीने से मेरी स्किन पे मुझे काफ़ी वो दिख रहा है, बिल्कुल शाइनिंग करने लग गई है गर्मी में। और पानी बहुत अच्छा है अपने स्किन के लिए, बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है पानी। तो पानी आप खूब मात्रा में पीजिए, जितना आपसे पिया जाए। अभी 3-3.5 तो है ही अपना पानी, अपने वेट के हिसाब से 20 किलो पे 1 किलो पानी पीना चाहिए। अब आप देख लीजिए, पानी की मात्रा खूब बढ़ाइए, फिर देखिए आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है। आपको लोग पूछना शुरू कर देंगे कि आप ऐसा क्या करते हो, मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कौन सा फेशियल लेते हो। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी फेशियल नहीं करवाया गाइस, मैं सिर्फ ऐसे ही देसी चीज़ें यूज करती हूँ अपने चेहरे पे, जो घर पे है, बेसन वगैरह यही सब यूज करती हूँ। बेसन हो गया, दही हो गया और वो दाल हो गई, लाल वाली दाल को पीस के। अगर आपको जानना मैं कैसे लगाती हूँ तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं अब जल्दी सी, और खुश रहा करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है। मैं बार बार बोलती हूँ, खुशी आजकल नहीं बची ज़िंदगी में, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से परेशान है। जब अपना आप वेट लॉस कर लोगे ना, तो खुशी अपने आप ही आ जाएगी। आपका अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा, नई नई जगह पे जाने का मन करेगा। मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझसे कोई पूछे ना कि तेरी इच्छा क्या है, मैं यही बोलूँगी कि मेरे पास ढेर सारे कपड़े हों, मुझे बहुत शौक है गाइस। एक दिन ऐसा था कि ये शौक बिल्कुल चला गया था मेरा, बिल्कुल मन नहीं करता था मेरा कपड़े उपड़े पहनने का, कुछ भी नहीं, जब 6 किलो की हो गई थी। और आज मेरा सब मन करता है। मैं पता है अभी परफेक्ट वेट पे नहीं हूँ, जब आ जाऊँगी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं खुश हूँ जहाँ तक भी पहुँची हूँ। अगर मुझे पहुँचना है वहाँ तक भी, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल कम कर दी हूँ, तो करेंगे मेहनत। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। गाइस, अभी ले आई हूँ मैं पपीता, और मैं एक फ्रूट ज़रूर लेती हूँ, जो भी मेरी इच्छा हो, मुझे फ्रूट खाना अच्छा लगता है। पहले मैं पैसे बर्बाद कर देती थी पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे, इन पे, लेकिन अब मुझे फ्रूट अच्छा लगता है। और मेरा फ्रूट है ना गाइस, पपीता, इतना सा आता है, इतना सा, तो वो मेरा चल जाता है 4-5 दिन, 5 दिन से भी ज़्यादा ही चल जाता है। मैं उसको ख़राब होने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ, नहीं तो अगर इतना सारा पपीता कितने का जाएगा यार, 30-40 रुपये किलो है, 2 किलो ले आएंगे अपन, और 5 दिन जो चल रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप बोलते हो कि हम फ्रूट नहीं खरीद सकते, तो थोड़ा सा एडजस्ट और जगह कर सकते हैं अपन, अपने कपड़ों में कर सकते हैं अपना, और कुछ कोई ना कोई ज़रूर खाता है फास्ट फूड, बाहर की इच्छा ज़रूर होती है उसके कुछ ना कुछ खाने की, लेकिन अपन वहाँ से उन पैसों से बचत करके क्यों ना उन पैसों से फ्रूट लें और अपनी बॉडी से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, फिर देखो कैसे मन करेगा आपका फ्रूट खाने का, और कुछ और इच्छा खाने का मन ही नहीं होगा, कुछ और खाएं, आपकी इच्छा कभी नहीं होगी। ये मैंने कर दी है सब्जी कट, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और आलू शिमला मिर्च बनेगी आज, क्योंकि ये बंदा है ना हमारा, इसको आलू बहुत पसंद है। और देखो ये आलू इस टोकरी में जमा दिया, इतने आलू मंगवाया है कि मम्मा की याद हो रही, खा खा के हम हो चुके हैं बोर। क्यों भाई? भाई बहुत मजा आता है आलू की सब्जी, कभी खा के देखा करो। तो और भी सब्जी अब तो तुझे टेस्टी लगती है, नहीं लगती? लगती तो है, लेकिन आलू सबसे ऊपर है, उससे ऊपर मटर पनीर।
और अभी सब्जी कट कर दी है और मैंने पीना है अभी पानी, तो मैं पीऊंगी पानी बैठ के शांति से। गाइस पानी हमेशा बैठ के ही पीना है आपको, सिप सिप करके, खड़े होके कभी मत पीजिएगा पानी, क्योंकि बाद में ना फिर यहाँ दिक्कत आती है, घुटनों में दर्द होना जल्दी शुरू हो जाएगा, तो आप बैठ के सिप सिप करके पीजिए बिल्कुल पानी को भी। तो गाइस ये देखिए, ये आटा मंगवाया मैंने, गनगोर है इसका नाम, गनगोर आटा, इसमें उल्टा दिख रहा है लेकिन ये है गनगोर। इसमें सब कुछ है, इसमें बाजरा है, राइस है, मक्का है, जो है चना है, और थोड़ा सा गेहूं भी मिक्स है इसमें दे रखा है। तो ये पड़ता है मेरे को 100 रुपए का 1 kg, तो मैं ये मंगवाती हूँ। और मेरा तो ये बहुत दिन चल जाता है, क्योंकि मैं एक ही रोटी बनाती हूँ, दिन में एक ही रोटी खाई जाती है, और टाइट रोटी होती है इसकी, और 32 बार करने में बहुत ही आसानी होती है इस रोटी को, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स है और बहुत अच्छे से चबा सकते हैं गेहूँ की बजाय। अगर आपके पास रागी का है, ज्वार का है, और जो भी आपकी इच्छा ये खा सकते हो। अगर आप नहीं ले सकते हो ये सब कोई भी, लेकिन आपके घर में बेसन तो है ना, थोड़ा सा गेहूं का आटा, इतना सा जितने भी आप रोटी बनाते हो उस साइज की, लेकिन आपको बस चबाने पे ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ का मतलब है कि हमारी कोई चैनल ऐसा नहीं है कि वेट लॉस में इतना सा ही खाना है, इतना सा ही डाइट के ऊपर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा है कि खाने को ज़्यादा खाओ, मतलब ज़्यादा चबाओ, उस पर है। तो ये हेल्दी हेल्दी चीज़ें आपको मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चुनना, और मैं इस वजह से लेती हूँ, ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो आप ले सकते हो थोड़ा सा गेहूँ के आटे में, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बेसन का आटा मिलाकर रोटी बनाइए, लाजवाब और बहुत अच्छी होगी, देखना आप ट्राई करके, ठीक है। इसकी मस्ती देख लीजिए आप, बेवकूफ की देख लो। गाइस अभी मम्मा बनाने वाली है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, और वो जो मुझे बहुत पसंद है, और आपने मेरा जो डांस देखा था ना, उसको ना बहुत ज़्यादा कमेंट कर देना ना कि बहुत अच्छा डांस किया है। गाइस मेरे लिए बहुत कम कमेंट आ रहे हैं और लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं हमारी वीडियो पे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे लाइक कर दिया करो, हैं, हमको भी मोटिवेट हो जाती है, ठीक है। एक बार और करके दिखा देते हैं। तो गाइस अभी बना लिया मैंने अपना सत्तू, और इसको आप चिल्ड बनाओगे ना, चिल्ड पानी में, देखो मैं तो मटके का पानी यूज करती हूँ, फ्रिज का नहीं करती, मैं नहीं पीती फ्रिज का पानी कभी, मैं तो सालों बीत गए, जब मेरे लकवा आया था ना तब छोटा था मैं, पहले तो बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी पीती थी, और जब से लकवा आया, जब मैंने गर्म पानी की आदत डाली थी, तो हो गए होंगे गाइस 2.5 से 3 साल हो गए, तब से गर्म ही पी रही हूँ, अभी नॉर्मल पे आ गई हूँ, थोड़ा थोड़ा गर्म तो करती हूँ लेकिन हल्का सा। और सत्तू बनाना बिल्कुल ठंडे पानी में, मटके का रख लेना, देखो मटका रख रखा मैंने, मटके का पानी लेना आप, फिर बहुत स्वादिष्ट लगता है ये, और नींबू और हरी मिर्ची और प्याज मैं आपको बना के दिखा रखी हूँ, आप देख लेना, ठीक है। तो गाइस खाना मैंने लगा लिया है और सैलड वगैरह कट कर लिया है, और सब्जी देखिए कितनी यम्मी बनती है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, कहते हैं ना थोड़ा सा तेल में भी बहुत अच्छी बन जाती है सब्जी, तो गाइस सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, आप ट्राई करके देखना। और गर्मी में छाछ दही ज़रूर ऐड करना, आप देखते होगे मेरी डाइट में छाछ दही ज़रूर होते हैं। डिनर टाइम, और मैं बना रही हूँ आज ओट्स की खिचड़ी। ये देखिए मैंने इतने से लिए हैं ओट्स, और टमाटर प्याज हरी मिर्ची कट कर लिए हैं, इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल भी डाल दिया उसमें 1 चम्मच, और गर्म हो रहा है, तो ओट्स की खिचड़ी बनाऊंगी गाइस मैं। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो जो आपकी सब्जियों की, ढेर सारी सब्जियों की इच्छा है, मेरे पास तो कोई सब्जी है ही नहीं अभी, तो इस वजह से मैं यही टमाटर प्याज कट करके और बना रही हूँ सिंपल सी अपनी ओट्स की खिचड़ी, जो खाने में टेस्टी है, यम्मी है, और अपनी सेहत के लिए अच्छी है बहुत ज़्यादा।
देते हैं गाइस अपने इसमें मसाले। मैंने हरी मिर्ची डाली है थोड़ी सी, इसलिए लाल मिर्च थोड़ी सी हल्की सी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्का सा नमक बस। और मसाले मैं यूज ही नहीं करती हूँ गाइस। और इसको पकने देते हैं जब तक मैं अपने ओट्स धो लेती हूँ। पानी डाल दिया मैंने, धो लेते हैं पहले ओट्स को हल्का हल्का सा। टमाटर पक जाए तो टमाटर पक चुका है गाइस मेरा। अभी डाल देती हूँ मैं इसमें ओट्स बस। अब इसको थोड़ी सी देर और पकाऊंगी तो ओट्स खिचड़ी हो जाएगी बनके अभी तैयार। तो गाइस खिचड़ी बन चुकी है और अब डाल लेते हैं अपनी खिचड़ी को। तो कैसी लग रही है गाइस खिचड़ी जरूर बताना कमेंट करके। तो गाइस अभी खाऊंगी शांति से बैठ के खिचड़ी और बहुत अच्छी लगती है मुझे खिचड़ी बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास ओट्स नहीं थे, अभी मैंने मंगवाए हैं और तब मैंने बनाई। बहुत इच्छा होती है मेरी ओट्स खिचड़ी खाने की और गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। अभी मैं कूलर के आगे बैठ के खाऊंगी शांति से बिल्कुल। और आज की वीडियो रखती हूँ यहीं तक। और कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। तो गाइस मुझे आपका प्यार चाहिए, मैं मेहनत करती रहूँगी, आप मुझे प्यार करते रहो प्लीज़। वीडियो को देखा करो, लाइक किया करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे बताया करो, ठीक है। कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ। मुझे पता आप मुझसे बहुत सारा प्यार करते हो, मिस भी करते हो जिस दिन वीडियो नहीं डालती, आप बोलते हो कमेंट आता है, तो कोशिश पूरी रहा करेगी मेरी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बच्चों की छुट्टी आ गई है, खूब मजे करना, एंजॉय करना, लेकिन 32 बार को कभी मत भूलना। ओके बाय।